नमस्कार दोस्तों, नीलम जी का मैसेज है। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में EWS कैटेगरी से एडमिशन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी स्कूल में सिर्फ मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। चाहे आप जर्नल हैं, चाहे आप SC हैं, चाहे आप ST हैं, चाहे आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नीलम जी आपके बच्चे को एडमिशन तभी मिलेगा जब वो पढ़ने में एकदम जबरदस्त होगा, मेरिट में नाम आएगा, सही है। और किसी भी स्कूल में मान लीजिए EWS कोटा भी होता है तो वहाँ पे सीट्स बहुत कम होती हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपरली बच्चा तैयार नहीं है, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है और वो साल डेढ़ साल दो साल से तैयारी नहीं कर रहा है तो अननेसेसरी फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग करवानी है, एक साल डेढ़ साल की प्लानिंग करनी है, तैयारी करवानी है नीलम जी, तभी आपको फॉर्म भरवाना है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में EWS का कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, आपको मेरिट पे लिया जाता है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15% ये दे देंगे, 15% SC वालों को, 7.5% ST वालों को, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा सैनिक स्कूल में होता है, जैसा मिलिट्री स्कूल में होता है, ठीक है, जैसा सेंट्रल हिंदू स्कूल में होता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ मेरिट चलती है। हाँ, डिफेंस वालों की फीस थोड़ा कम है, ठीक है, वहाँ पे डिफेंस वालों का जो खर्चा आता है वो 1,60,000 आता है, जबकि सिविलियंस की फीस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कॉल करके पता करो सर सिविलियन की फीस क्या है और हम कैसे एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।